हनुमान जी की पूजा माता बहने भी कर सकती हैं, करना चाहिए। छूट है हनुमान जी की पूजा करने की, प्रमाण देते हैं। कोई में कोई माने छूट, देखो कोई कर सकता है। छोटी बच्चियां कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, माता बहने कर सकती हैं, और जाति का भी कोई इसमें संबंध नहीं रखा है। कोई जाति का व्यक्ति हो हनुमान पूजा कर सकता है। भक्तियां नौ प्रकार की हैं। एक प्रकार भक्ति आ जाती है तो भगवान दौड़ करके हृदय प्रवेश कर जाते, भक्ति का प्रभाव। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद कृपा है आप सभी के ऊपर। हनुमान जी की पूजा का भी बड़ा विधान है। वैसे तो राम जी में शंकर जी अंतर नहीं है कोई, राम जी शंकर जी एक हैं। और शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं हनुमान जी बने, इसलिए तीनों एक हैं। कलयुग में तो राम जी ने और जानकी जी ने और शंकर जी ने हनुमान जी को सौंप दिया सब कुछ। ये कलयुग के दो खम्भे हैं। कलयुग के दो खम्भे कौन कौन से हैं? कलयुग में दो खम्भा हनुमान जगदम्बा, ये दो खम्भे कलयुग के हनुमान जगदम्बा। और धनरुआ हनुमान जी दोनों ही हैं। धनरुआ हनुमान जी के अंदर दोनों ही विराजमान हैं। हनुमान जी भी हैं और सखी वेश में, इसलिए जगदम्बा भी है। इसलिए हनुमान जी की पूजा माता बहने भी कर सकती हैं, करना चाहिए। छूट है हनुमान जी की पूजा, कलयुग में हनुमान जी प्रधान है और देवी जी प्रधान। छूट है हनुमान जी की पूजा करने की, प्रमाण देते हैं। जो सतवार पाठ करे कोई, कोई में कोई माने छूट, देखो कोई कर सकता है। छोटी बच्चियां कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, माता बहने कर सकती हैं, और जाति का भी कोई इसमें संबंध नहीं रखा है। कोई जाति का व्यक्ति हो हनुमान पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है हनुमान। जो सतवार पाठ करे कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। इसके साक्षी शंकर पार्वती हैं, हो सिद्ध साखी गौरीसा, साक्षी इसके शंकर पार्वती है। आप करके देखो, स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी ने, ये प्रमाण है।